Hello viewers, so today we are starting with another lecture of matrices, and in today's lecture we will understand the operation addition or subtraction between the matrices. आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है. एंड बिलीव मी इट इज वेरी सिंपल. एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, नाउ यू कैन सी थ्री प्रॉब्लम रिटन ऑन द बोर्ड. मैंने यहाँ पर बोर्ड पे तीन प्रॉब्लम लिखे हुए हैं. एंड लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉब्लम. हम पहले वाले प्रॉब्लम से शुरू करने वाले हैं जिसमें दो मैट्रिसेस हमें दी हुई है. ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक गोल्डन रूल बताना चाहूंगा जो आपको एज अ थंब रूल हमेशा याद रखना है. एंड द रूल इज दैट कि जब भी किसी दो मैट्रिक्स का या मोर देन टू मैट्रिसेस आप जोड़ना चाहें तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकती हैं या घट सकती हैं आपस में जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो. डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स ना तो जुड़ेंगी ना सब्ट्रैक्ट होंगी. ये बात आपको अपने जहन में बिठा के रखनी है. तो हम जितनी बार मैट्रिक्स जोड़ेंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. दैट मीन्स कि मैट्रिक्स ए का अगर ऑर्डर 3x3 है तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 3x3 होना जरूरी है. अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2x3 है तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2x3 होना जरूरी है, तभी हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. इन प्रॉब्लम देयर आर टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. एंड दे सेड इफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, if matrix summation of matrix A plus matrix B minus matrix X, then find X matrix. तो हमें X matrix को निकाल के बताना है. ठीक है, बड़ा आसान सवाल है. A plus B matrix minus X matrix is equal to zero. ये हमें equation दे रखी है जिसमें हमको X matrix को निकाल के बताना है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इस equation को अगर हम लिखें यहाँ पर This is the equation, तो X matrix. निकालने से पहले हम इस equation को थोड़ा सा जो है resolve कर लेते हैं, थोड़ा सा solve कर लेते हैं. अगर मैं इस X को उठा के मैं जो है left hand side से right hand side पर लेकर जाऊँ, left hand side से right hand पर लेकर जाऊँगा तो X का जो sign है वो positive हो जाएगा. X अभी negative sign में उस तरफ जाएगा तो positive हो जाएगा. तो ये equation कैसी हो जाएगी? A plus B is equal to X. That means जो X matrix है, वो जो भी होगी, जैसी भी होगी, पर वो कैसी होगी? अगर मैं A और B matrix को जोड़ दूँ, तो वही मेरी X matrix होगी. जो X matrix है, वो कैसी होगी? A plus B के summation के बराबर होगी. यहाँ से मुझे ये बात पता लग गई. तो मैं बस कुछ नहीं करता हूँ. अब मैं matrix A और matrix B को जोड़ दूँगा, इससे मुझे मेरी matrix X मिल जाएगी. तो हम जोड़ना शुरू करते हैं. गोल्डन रूल हम चेक कर लेते हैं. मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है या नहीं. तो हम देखते हैं मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3x3 है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 3x3, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं. तो हम जोड़ना शुरू करते हैं. तो जोड़ने का बड़ा आसान तरीका है, हमेशा सेम एड्रेस के एलिमेंट जुड़ेंगे. ठीक है, सेम प्लेस के एड्रेस जुड़ेंगे. जैसे इस एलिमेंट का एड्रेस है A11, इस एलिमेंट का एड्रेस है B11. तो यहाँ पे समेशन होगा A11 प्लस B11. इस एलिमेंट की बात करते हैं, दिस इज A21, दिस इज B21. तो यहाँ पे क्या होगा? A21 प्लस B21, दैट इज 14 प्लस 2. Coming to the third, this is A31, this is B31, the address of this element, A31, B31. So addition of A31 plus B31, that means 20 plus 3. Okay, now address of this element is A12 and this B12. So A12 plus B12, that is 6 plus 14. Similarly, address of this element is A22 and address of this element is B22. That is 8 plus 22. Coming to this element, A32, B32, 9 plus 11.
Okay. Now coming to this element, a 13, 1 plus 5. A23, B23, 2 plus 6, A33, B33, 8 plus 3 or 3 plus 8, now आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले इस element को फिर इसको जोड़ा, उसके बाद इसको ऐसे, आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप A11 और B11, फिर आप A12 B12 को जोड़ सकते हैं, उसके बाद आप A13 और B13 को जोड़ सकते हैं। जोड़ने का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी संख्या को पहले जोड़ सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को पहले जोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने अलग अंदाज में जोड़ के बताया जिससे आपको समझ में आए कि हम किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, हमें जोड़ना होगी एलिमेंट्स में, अलग एलिमेंट्स जुड़ेंगे नहीं, आप किन्हीं दो एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं। ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया, बड़ा आसान था। अब हमें इसको सिर्फ ऐड करके लिखना है, तो हमारा मैट्रिक्स सामने आएगा, व्हिच इज इक्वल टू एक्स, भाई ए प्लस बी हमने यहाँ पे कर दिया है, तो 12 प्लस 1 13, 16, 23, 1 plus 5, 6, 2 plus 6, 8, 3 plus 8, 11. So this is your X matrix. As per question, find matrix X. X matrix हमें find करके निकालने की, जब A plus B minus X equal to 0 करता, हमने A plus B minus X equal to 0 रखा, और मैंने X को जो है left hand side से right hand side में डाला, तो x का साइन पॉजिटिव हो गया, तो a plus b is equal to क्या आ गया, x आ गया, और फिर मैंने a plus b का लिया, तो मुझे x मैट्रिक्स पता लगी, और x मैट्रिक्स भी कितनी आएगी, 3/3, क्योंकि हमें पता है अगर कोई मैट्रिक्स आपस में ऐड या सबट्रैक्ट हो रही, भले वो एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, तो सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। देखिए आप हमारी x मैट्रिक्स का ऑर्डर, आंसर वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या आ रहा है, 3/3 आ रहा है। तो हमने हमारा रूल को फॉलो करा, थंब रूल याद रखना, दो मैट्रिक्स कभी ऐड और सबट्रैक्ट हो सकती है जब जबकि वो दोनों मैट्रिक्स कैसी हो, सेम ऑर्डर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर गिवन एंड वी नीड टू डिटरमाइन द सबट्रैक्शन ऑफ बोथ द मैट्रिक्स, दैट इज ए माइनस बी, वी नीड टू डिटरमाइन, हमें यहां पे जरूरत है बताने की ए माइनस बी क्या होगा। तो सिंपल है, ए 11 माइनस बी 11, दैट इज 3 माइनस 10, A 12 minus B 12, that is 5 minus 8, A 13 minus B 13, 1 minus 6, A 21 minus B 21, 4 minus 6, 22 minus B 22, A 22 minus B 22, 7 minus 12, A 23 minus B 23, 2 minus 3. Similarly, 6 minus 3, 9 minus 5, and 3 minus 4. Simple, this is our A minus B matrix, 3 minus 10 minus 7, 4 minus 6 minus 2, 6 minus 3 plus 3, 5 minus 8 minus 3, 7 minus 12 minus 5, 9 minus 5, 4, 1 minus 6 minus 5, 2 minus 3 minus 1, 3
3 minus 4 minus 1. So this is the answer of the difference of A and B matrix, which is again 3 by 3 matrix. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को जब जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, आंसर भी उसी मैट्रिक्स का जो आएगा वो सेम ऑर्डर का आने वाला है जो दोनों मैट्रिक्स का था जिनका जोड़ना होना तय था। ऐसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम नंबर थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। हमारे सामने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स दिस प्लस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स, एंड इन दिस मैट्रिक्स cos थीटा sin थीटा minus sin theta cos theta, similarly here sin theta minus cos theta sin theta, and we need to simplify the above condition. इस condition को हमें simplify करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। First, we will multiply this cos theta with this matrix. अब cos theta इस matrix से multiply करना है। कैसे multiply करेंगे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा। ये जो cos theta matrix के बाहर multiplication में लिखा है, ये cos theta अंदर जाके सभी elements से multiply है। Okay? हमेशा याद रखना। इसका order भले कुछ भी हो, हमारे सामने 2 by 2 matrix। अगर इसके अलावा हमारे पास 3 by 3 का matrix भी होगा, तो उसके अंदर 9 elements होंगे। 3 into 3 कितने होंगे? 9। तो 9 elements से cos theta multiply होगा। अभी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट है अंदर, तो cos थीटा 4 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 4 बाय 4 का मैट्रिक्स होगा तो पूरे 16 एलिमेंट से अंदर cos थीटा मल्टीप्लाई होगा। आपको ये बात याद रखना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन में बाहर कोई चीज लिखी रहती है, कोई डिजिट या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म या कोई इमेजिनरी नंबर या कोई रियल नंबर लिखा रहता है, तो मैट्रिक्स के अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। और सेम रूल इज फॉर डिवीजन, अगर कोई एलिमेंट बाहर डिवाइड में लिखा 1 बाय cos थीटा लिखा होता तो अंदर जाके cos थीटा सभी से डिवाइड होगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले cos थीटा के इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, so cos theta into cos theta cos square theta, cos theta into sin theta cos theta sin theta, cos theta into minus sin theta cos theta, cos theta into cos theta cos square theta, plus now sin theta will be multiplied with all this element, so sin theta into sin theta sin square theta, sin theta into minus cos theta sin theta, sin theta into cos theta sin theta cos theta, sin theta into sin theta sin square theta, so this is the one step simplification in which we multiply cos theta with this matrix, sin theta with this matrix। अब हमें यहाँ पे याद रखना है कि जब भी कोई एलिमेंट, कोई नंबर, कोई रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म किसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लीकेशन में, तो वो टर्म मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे 2 by 2 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा, तो भी आपको यही करना है। ठीक है, अब सिंपल हमें एडिशन आता है, कैसे करना है? हमें A11 को B11 से जोड़ना है। सो अब मैं एडिशन कर रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, सिंपल A12 added with B12. A12 is cos theta sin theta. This added with this. Minus sin is the bracket में लिखते हैं। Now minus sin theta cos theta added with this. A22 added with B22. cos square theta plus sin square theta,
Simple. Now if you know that cos square theta plus sin square theta can be written as 1, if you know this. If you know this, अगर आपने trigonometry पढ़ी है तो आपको एक बार पता होगा कि अगर दुनिया में कहीं भी 1 लिखा है तो आप 1 को replace करके sin square theta plus cos square theta लिख सकते हैं. अगर कहीं पर cos square theta plus sin square theta लिखा है तो आप उसकी जगह 1 लिख सकते हैं. ठीक है, ये proven identity है trigonometry की. तो यहाँ पे मैं cos square theta plus sin square theta जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह 1 लिख दूंगा. यहाँ पे भी मुझे cos square theta plus sin square theta दिखाई दे रहा है इसकी जगह 1 लिख दूंगा. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज माइनस sin theta cos theta और दिस इज प्लस sin theta cos theta. So this will be cancelled. Similarly, either cos theta plus sin theta and here plus minus minus. Okay, plus minus minus. Cos theta sin theta minus cos theta sin theta. So ये दोनों भी क्या हो जाएंगे cancel because plus minus minus. Okay. Sorry for disturbance. So cos square theta plus sin square theta can be written as 1. Cos square theta plus sin square theta can be written as 1. Cos theta sin theta minus ka cos theta sin theta cancel out. Similarly, cos theta sin theta minus ka and cos theta sin theta plus ka cancel out. Yahan pe hum likhenge 1. Cos square theta plus sin square theta can be written as 1. This is 0. This is again 0. This is 1. This is answer. It is very simple. आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी. ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस था और ये प्लस था, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, हम आगे बढ़े यहाँ से कि आपको एक बात समझ में आ चुकी है. आई होप कि आप समझ रहे हैं. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से. अब मैट्रिसेस का जब एडिशन होगा, अब देखें दो मैट्रिक्स को जब मैंने ऐड किया तो दोनों का ऑर्डर 2/2 था और जो आंसर आया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, मैट्रिसेस फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. जो मैट्रिसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं. दैट मींस इफ यू हैव आपके साथ इस तरह से कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी और मल्टीप्लिकेशन में कोई ए मैट्रिक्स है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. मतलब इस तरीके से, मतलब पहले आप बी और सी मैट्रिक्स जोड़ लें, जो आंसर आएगा जोड़ने का, तो उसको ए से मल्टीप्लाई कर दें, या आप चाहें तो ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ए और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों से जो आंसर आएगा उन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें. भाई इन दोनों से एक रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक मैट्रिक्स आएगा, वो दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ दो, या इस तरीके से काम कर दो. दोनों में, दोनों सिचुएशन में आपको सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो मैट्रिसेस फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आपके सामने इस तरह का कोई समीकरण होगा तो आप उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एसोसिएटिव लॉ प्रूव करके बताया था और कम्युनिटी टॉपिक मैंने आपको साबित करके दिखाया था. अब यहाँ पे मैं आपको साबित करके नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज यू नो कैसे प्रूफ करना है. किसी एक प्रॉब्लम को हमें लेना है और इस तरीके से हमें सॉल्व करके देखना है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर एंड आपको जो भी है मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं. और मैं आप होप करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहाँ से और अच्छे लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे. मैट्रिसेस में हम आगे और बढ़ने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस. ठीक है, so I hope you understand each and everything. Thank you so much.